हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कॉपिक्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, एज यू नो कि अभी हमारे चैनल पे ना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक करके सारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार्स को कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस कार को कवर करने जा रहे हैं वो है महिंद्रा एक्सयूवी 300। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो इस कार को लेने का, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस कार के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। एज वी ऑल नो कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 का एक फेसलिफ्ट वर्जन आने ही वाला है, बट आज की वीडियो में हम इसके एग्जिस्टिंग वर्जन के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि इस कार में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इस कार के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो गाइज, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो इस कार का है वो है इस कार में मिलने वाले मल्टीपल इंजन ऑप्शन। मल्टीपल इंजन ऑप्शन मिलने की वजह से एंड यूजर के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज एंड यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए एक इंजन चूज कर सकता है। इस कार में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, इस कार में आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन भी मिलता है, एंड साथ साथ ये कार आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ भी आती है। तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ इंजन ऑप्शन इस पर आपको मिलते हैं, एंड यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उसको एक चाहिए एक पेपी इंजन जिससे वो परफॉर्मेंस निकाल सके, तो इसके 1 लीटर टर्बो इंजन की जा सकता है। अगर उसको एक ऐसा इंजन चाहिए जिसमें टॉर्क मिले, उसको ज्यादा पावर मिले, तो इसका डीजल इंजन भी ऑप्ट कर सकता है। एंड इसका जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है। तो बहुत सारे इंजन ऑप्शन मिलना इस कार की एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो जो मुझे फील होता है वो है इसका सस्पेंशन। खराब रास्तों में भी ये कार आपको बहुत एक कंफर्टेबल राइड देती है, तो बहुत ही अच्छा सस्पेंशन आपको इसमें मिलता है, बहुत अच्छा सस्पेंशन ट्यून किया गया है। तो आपको जितनी भी रफ रोड्स, अगर आपका ट्रैवल ऐसी रोड्स पे है जहाँ पे रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत कंफर्टेबल राइड देती है। तो इसका सस्पेंशन जो है इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, एंड आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड इस कार में मिलती है। बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो आजकल के टाइम में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, एंड यूजर्स इस पॉइंट के बेसिस पे ही अपनी कार लेना या ना लेना डिसाइड करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार की सेफ्टी की। ये कार आपको 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ आती है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आती है, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा मटेरियल इस कार में यूज़ किया गया है। आपको फील होता है कि आप किसी अच्छी कार, किसी सेफ कार में बैठे हो जब इसमें आप बैठते हो। बिल्ड क्वालिटी वाइज कार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड जैसे कि वी ऑल नो ये कार ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 5-स्टार लाई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कार कितनी सेफ है। सेफ्टी इस कार का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं इस कार की स्टेबिलिटी से जुड़ा है। ये कार बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईवे पर्पज़ के लिए काफ़ी स्टेबल होकर कार ये चलती है, जिसका कहीं ना कहीं रीज़न इसका बहुत अच्छा स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी है। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स कार में आपको बहुत अच्छा मिलता है, एंड हाईवे में स्पेशली अगर मैं बोलूँ इस कार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हाईवे पर्पज़ के लिए ये कार बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको इस कार में मिलती है। बात करें इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कार में जो आपको मिलता है, वो है इस कार का पेपी इंजन। इस कार में अगर आपको एक पेपी इंजन की रिक्वायरमेंट है ना, तो आप इसके टर्बो इंजन को चला के देखो, और वहीं अगर आपको टॉर्क और पावर ज़्यादा चाहिए तो आप इसे डीजल इंजन को चला के देखो। बहुत ज़्यादा पंजी इंजन इस कार में आपको मिलेगा, एंड जितने भी लोग जिनको परफॉर्मेंस चाहिए अपनी कार से, वो आँख बंद करके इस कार की तरफ जा सकते हो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है ये। जो लोग भी ड्राइव एंथुसियास्ट है उन लोगों को ये कार डेफिनेटली पसंद आएगी। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट का सबसे बढ़िया इंजन इस कार में आपको ऑफर किया जाता है, तो इंजन वाइज भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ आता है। तो गाइस, ये तो रहे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। क्या ऐसी चीजें हैं जो इस कार में आपको नेगेटिव देखने को मिलती है? सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट जो मुझे फील होता है इस कार में नेगेटिव है, वो है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस की कमी आपको इस कार में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज इसका बूट स्पेस इस सेगमेंट की सारी कारों में से बहुत कम है, एंड यही एक बहुत मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से ये कार अपनी कंपटीशन से थोड़ा पीछे रह गई। तो बूट स्पेस इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। बात करो इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस कार में फील होता है, वो कहीं ना कहीं इस कार में जो फिटिंग्स की गई है पैनल्स की, वो मुझे लगता है कि इतनी अप टू द मार्क नहीं है। कई कई जगह आपको पैनल गैप्स देखने को मिल जाते हैं, तो जो फिट एंड फिनिश का इशू जो हम टाटा की कार्स में देखते हैं ना, वो आपको थोड़ा महिंद्रा की कार से भी देखने को मिलता है। तो जो फिट एंड फिनिश वाला इशू है, वो मुझे लगता है कि इस कार में एक नेगेटिव पॉइंट है। बात करो इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं इसके कैबिन स्पेस से जुड़ा है। रियर सीट्स मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें नजर नहीं आती है, रियर सीट्स में आपको उतना कंफर्ट देखने को नहीं मिलता जितना इसकी सेगमेंट की और कार्स ऑफर करती है। तो रियर सीट्स मुझे लगता है कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज वो कंफर्ट आपको और इसकी
रियर सीट्स ऑफर नहीं करती। लेग रूम आपको कार में बहुत अच्छा मिलता है, बट वही थाई सपोर्ट आपको कार में कम देखने को मिलता है। एंड कार की वेट वाइज भी अगर मैं बोलूंगा तो 3 adult अगर इस कार में आप बिठाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, 2 adult और 1 child ही इस कार में सफिशियंटली बैठ सकते हैं। तो एक जो रियर सीट पे जो आपको कंफर्ट है ना, वो इस कार में आपको थोड़ा सा नहीं मिलता। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। बात करें उसकी नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की जो मुझे फील होता है, वो है इस कार की आफ्टर सेल सर्विसेज को लेके। आफ्टर सेल सर्विसेज अभी महिंद्रा इसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, टाटा की तरह आफ्टर सेल सर्विसेज आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती इस ब्रांड में। जो थोड़ा बहुत कंसर्न है वो इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज से जुड़ा है, बिकॉज आफ्टर सेल सर्विसेज में अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड आपने बहुत देखा होगा कस्टमर फीडबैक जो आता है महिंद्रा के साथ, और लो आई नो महिंद्रा इंप्रूव कर रहा है इन चीज़ों को, बट अभी भी आफ्टर सेल सर्विसेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अभी ये थोड़ा लैग करता है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अभी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। तो अगर बात करें इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो फिलहाल के लिए इस पॉइंट को मैं नेगेटिव में मैंने सबसे लास्ट में कंसिडर किया है, बिकॉज इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। एंड अभी एग्जिस्टिंग कार में जो नेगेटिव पॉइंट है ना, ये एग्जिस्टिंग कार में एग्जिस्ट कर रहा है, वो है इस कार का इंटीरियर। एग्जिस्टिंग कार का इंटीरियर इतना अप टू डेट नहीं है, थोड़ा मॉडर्न क्लासी नहीं लगता आपको इसका इंटीरियर। जिस हिसाब से ये, जिस प्राइस रेंज में ये कार आती है, उस हिसाब से इंटीरियर आपको ऑफर नहीं किया जाता। इसका इंटीरियर आपको इतना मॉडर्न और क्लासी नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट है एग्जिस्टिंग XUV 300 में। इसके फेसलिफ्ट में इसको दूर कर दिया गया है, एंड फेसलिफ्ट में आपको न्यू इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को सबसे लास्ट में रखा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको इसके फेसलिफ्ट वर्जन में अब देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं इस कार में, इसके नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। आपको क्या लगता है आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।